हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज़ मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज का फर्स्ट एमसीक्यूज है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हु वॉज द फर्स्ट टू कॉल हिमसेल्फ एन अनार्किस्ट। तो एक ऐसा फ्रांसीसी दार्शनिक कौन था जिसने खुद को अराजकतावादी कहा था? तो डेविड ह्यूम थे क्या, फ्रांसिस बेकॉन थे, रॉबर्ट विलियम थे या फिर आर जे प्रधोन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आरजे प्रधोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये ध्यान रखना, आरजे प्रधोन इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। असर्शन कहता है कि फेमिनिज्म और फेमिनिस्ट थ्योरी इंप्लाई द एडवोकेसी ऑफ इक्वल राइट्स फॉर वुमेन एंड मैन अ कंबाइंड बाय द कमिटमेंट टू इम्प्रूव द पोजिशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। तो नारीवाद या नारीवादी सिद्धांत महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकारों की वकालत करता है, साथ ही समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने की प्रतिबद्धता के साथ। रीज़न कहता है कि जो प्रेजेंट स्टेटस है वुमेन का वो चीफली प्रोडक्ट है सोशल अरेंजमेंट्स का। जो महिलाओं की वर्तमान स्थिति है वो मुख्यतः सामाजिक व्यवस्थाओं की उपज है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस ये दिए हुए हैं, क्या होना चाहिए राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए, नारीवाद या नारीवादी सिद्धांत जो है वो महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकारों की वकालत करते हैं ना, और साथ ही समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए भी बोलते हैं, क्योंकि महिलाओं की जो वर्तमान स्थिति है, क्योंकि वो सामाजिक व्यवस्था की तो उपज है, इसीलिए तो है ना। तो ये ध्यान रखना, तो राइट आंसर इज बोथ ए आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है आपका, अरेंज करना है इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाना है। यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर एसे विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन है, ठीक है, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन है, सी एम जोड का इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी है। अब यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके, राइट आंसर क्या होगा? देखो, एसे ऑन जो एसे विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन है ये हो जाएगा 1792 का, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का। सब्जेक्शन ऑफ वुमेन आप सबको पता ही किसका है, जे एस मिल है ना, ये हो जाएगा 1869 का। और सी एम जोड का अगर आप देखो, ये हो जाएगा 1924 का, 1924 का। सो राइट आंसर इज ए बी सी, यहाँ पर राइट आंसर ए बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि जो ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग लिबरल फेमिनिज्म। तो ये इंसिस्ट करते हैं एब्सोल्यूट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पे मैन एंड वुमेन के लिए, इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ एंड कंप्लीट रिमूवल चाहते हैं जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का सोसाइटी से। इसका एम है रिवाइवल करना कन्वेंशनल फेमिनिस्ट मूवमेंट को। ये प्रोग्राम इंक्लूड करते हैं इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, अबॉर्शन जो लॉज रिफॉर्म, जो अबॉर्शन है उनमें, उनके लॉज में रिफॉर्म चाहते हैं, इंक्रीज करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट, ब्यूरोक्रेसी एंड डिग्निफाइड प्रोफेशंस या ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पे मैं आप लोगों को हिंदी दिखा देती हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा उदार नारीवाद के बारे में सही है? ये जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अवसर, पूर्ण समानता पर जोर देते हैं है ना, और समाज में लिंग आधारित भेदभाव पर पूरी तरह से हटा देते हैं। बिल्कुल सही है, इसका उद्देश्य पारंपरिक नारीवादी आंदोलन को पुनर्जीवित करना है, ये भी सही है। इस कार्यक्रम में समान काम के लिए समान वेतन, गर्भपात कानूनों में सुधार, संसदों में महिलाओं का बढ़ता प्रतिनिधित्व और नौकरशाही और प्रतिष्ठित पेशे इत्यादि शामिल हैं। सो राइट आंसर इज उपरोक्त सभी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इज अ करेक्ट आंसर। तो ये ध्यान रखना, डी इज़ अ राइट आंसर। उसके बाद है, किसने लिखा था डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स 1970? तो शुलमिथ, फायरस्टोन ने, लास्की ने, एल्सेडर ने या नोटा ने?
यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शुल स्मिथ फायरस्टोन ने. किसने लिखा है जो द डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स, किसका है? शुल स्मिथ फायरस्टोन का. उसके बाद नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू डैश लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट ह्यूमन कंसियसनेस पोस्टुलेट करता है लिबर्टी को, लिबर्टी इन्वॉल्व करती है राइट्स को, राइट डिमांड करते हैं स्टेट को. तो ये लाइन किसकी? मानव चेतना स्वतंत्रता को बरकरार रखती है, स्वतंत्रता में अधिकार शामिल है, अधिकारों की मांग राज्य. ठीक है, तो ये बताना है ग्रीन का है, लॉक का है, लास्की का या जेएस मिल का है. तो यहाँ पर आप देखोगे किसका है? ग्रीन का. ठीक है, राइट आंसर इज ग्रीन. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पेयर सही नहीं है, कौन सा पेयर सही नहीं है? इमोटल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 का क्या, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1968 का है, इंडेसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986 का है, कमीशन ऑफ सती एक्ट 1987 का है. सो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है. इसमें राइट आंसर देखिए पता क्या होगा, 27 अगर आप देखो तो इसका ये जो 19 ये जो है ना डाउरी प्रोहिबिशन, तो ये कब का है? ये 1961 का है. कब का है? 1961 का. तो ये ध्यान रखना. उसके बाद नेक्स्ट है कि किसने लिखी थी सेक्सुअल पॉलिटिक्स, सेक्सुअल पॉलिटिक्स किसने लिखी थी, यौन राजनीति किसने लिखी है? कैट मिलेट ने लिखी है क्या, शेल्डन वॉलिन ने लिखी है क्या, हिंस इलोने या नन ऑफ द अबव? तो राइट आंसर इज कैट मिलेट. किसने लिखी है ये? कैट मिलेट ने. उसके बाद है कौन सा पेयर सही नहीं है, चार्ल्स टेलर का फिलोसफिकल पेपर्स है क्या, माइकल सैंडल का लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस है क्या, अल्सेडर मैकलेंथर का आफ्टर वर्च्यू है क्या, या नोटा? तो यहाँ पर आप देखो इनमें से कोई नहीं, यानी ये सभी ठीक हैं, है ना, ऑल आर करेक्ट, इनमें से कोई गलत नहीं है. इसमें नोटा का मतलब ये है. चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है, मार्क्सिज्म एंड पॉलिटिक्स किसने लिखी है, मार्क्सिज्म एंड पॉलिटिक्स किसने लिखी है? अमर्त्य सेन ने, मैकपर्सन ने, बार्कर राल्फ ने या मिली बैंड ने? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका मिली बैंड. किसने लिखी है ये बुक? मिली बैंड. ठीक है, तो ये ध्यान रखना मिली बैंड की है. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. इसके साथ साथ मेरे डिटेल कोर्स चल रहा है, क्रैश कोर्स चल रहा है. अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं UP असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो आप सभी आ सकते हैं. 3 मंथ का कोर्स है, क्रैश कोर्स भी चल रहा है, स्पेशल क्लासेस डेली होती हैं 4 PM. ठीक है, आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो. इसके साथ साथ ये 2 कोर्सेज मेरे इम्पॉर्टेंट चल रहे हैं. ठीक है, ये जो मैंने अभी आप लोगों को बताए हैं ये बैच कोर्सेज हैं. 3 मंथ और 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है ये जल्दी इंक्रीज हो जाएगा, तो आज आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. यूज़ करना रेफरल कोड मीनाक्षी लाइव. और स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, रिविज़न सीरीज चल रही है MCQs पर, तो ये चलती है 4 PM. और जो मॉक टेस्ट चल रहे हैं वो संडे और वेडनेसडे चल रहे हैं. ठीक है, कब चल रहे हैं? संडे और वेडनेसडे 9 PM. ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं आ सकते हैं. वीकली फुल मॉक टेस्ट हो रहे हैं, यूनिट बेस्ड टेस्ट हो रहे हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. अगर अभी लेते हो तो ये आप लोगों को कम का ही पड़ जाएगा, ये आपको 2300 समथिंग का पड़ जाएगा. 3 मंथ वाला 5000 समथिंग, ये वाला 9000 समथिंग, ये 12000 समथिंग. ठीक है, तो 6 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, 12 मंथ का, 24 मंथ का. यूज़ करना मीनाक्षी लाइव टू गेट 10% ऑफ ऑन प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. सो जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं आ सकते हैं. यूज़ करिएगा मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट. थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय टू ऑल. थैंक यू.